सनातन में जो छह फिलोसफी दिए गए हैं वो कौन से हैं? तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको सनातन की जीरो नॉलेज है? सनातन के ताल्लुक से नॉलेज का कोई दावा नहीं है, मैंने कभी दावा नहीं किया। मोटी मोटी चीजें क्या जानते हैं? देखिए मुफ्ती साहब, ये बहुत ही गहरी फिलोसफी है, इसे समझने के लिए आपको कई घंटों की जरूरत है, ये ऐसे ही मेरे समझ पास में एक नहीं घंटे हैं, मुझे समझाइए भाई। मैं मालूम तो करूं कि आपको बेसिक टर्म का नॉलेज है या नहीं। नहीं है, नहीं आपको है, नहीं है। सनातन स्वर्ग और नर्क को एक ही पैमाने पर रखता है, मतलब तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संभोग मतलब क्या, हाँ ठीक है, मोक्ष का मतलब आपको समझ में आया या नहीं, ये मैं हाँ जानना हाँ आ चाहता गया आ गया आ गया आ गया जी। क्या समझ में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सनातनी भाई जिनका नाम है शुभम, और ये है ओशो के बहुत बड़े फैन और साथ ही साथ ये दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं हिंदुइज्म के। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि ये जनाब शुभम भाई मुफ्ती साहब की क्लास लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती साहब ने तो कभी ये दावा किया ही नहीं है कि वो हिंदुइज्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं या उनको बहुत ज़्यादा इल्म है हिंदुइज्म के बारे में। हाँ, मोटी मोटी जानकारी वो तो मुझे भी पता होती है, और एक आम मुसलमान को या फिर आम इंसान को जो हिंदुइज्म से ताल्लुक़ नहीं भी रखता उसको भी पता होती है कि मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, और जो पुनर्जन्म होता है वो क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुभम दास ने मुफ्ती साहब की क्लास लगा दी है कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको शून्य इल्म है और शून्य ज्ञान है हिंदुइज्म का, और मैं आपको सिखाता हूँ। और मज़े की बात यह है कि जो वो चीज़ सिखाने वाले हैं वो ये है कि भाई संभोग के ज़रिए से किस तरह से संन्यास या फिर मोक्ष पाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बेशक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, आपने कहा कि ओशो के आप बहुत बड़े फैन हैं, ओशो की फिलॉसफी बताइए क्या है? ओशो जो है वो संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं। संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं, कहीं लोग संभोग में अटक तो नहीं जाते? देखिए मुफ्ती साहब, ये बहुत ही गहरी फिलॉसफी है, इसे समझने के लिए आपको कई घंटों की जरूरत है, ये ऐसे ही मेरे समझ पास में एक घंटे हैं, मुझे समझाइए भाई। मैंने सबको, सब लोग जो है, अब हम आपको नहीं ले रहे हैं, हमारे साथ ओशो फैन है जो संभोग के जरिए हमें संन्यास की तरफ लेके जाएंगे। भाई बताइए क्या है जी। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं जो सवाल पूछने वाला था वो तो नहीं पूछ पाया। हमें तो संभोग पे बात करनी है जी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपको जिस पे बात करनी है मैं आपको उसी पे ले जाता हूँ। ठीक है जी 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 जी, संभोग से संन्यास की तरफ जी। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं भाई। शुभम दास, अच्छा ये तो ओशो का लगा रखा शायद। अरे जी भाई, शुभम साहब। हेलो मुफ्ती साहब। जी भाई बोलिए, क्या हाल चाल है? मुफ्ती साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। बिल्कुल फरमाइए मुफ्ती साहब। मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें आप इसको क्लियर कर दीजिए, ओशो के फॉलोवर्स हैं आप क्या? ये कह रहे हैं कि आप ओशो के फॉलोवर हैं, आप इसको क्लियर कर दीजिए। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ओशो का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़ा फैन है, चले ठीक है, इस पर हम अभी बात करेंगे। अब आप अपना पहले क्वेश्चन रखिएगा। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहता था कि आपको सनातन धर्म से क्या दिक्कत है? मुझे सनातन धर्म से क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सनातन धर्म से भाई, आपका धर्म है आप फॉलो करें, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो इस डिबेट का आपका मकसद क्या है? क्या आपने एक्स मुस्लिम को देख के ये डिबेट चालू किया है? कौन सी डिबेट भाई, मैं तो लाइव Q&A कर रहा हूँ, मुझसे आप लोग आकर सवाल करते हैं कि इस्लाम में ये है ये है ये है, तो उसको हम डिफेंड करेंगे ना। मैंने कौन सी डिबेट की है? अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, आप देखें, अब आप देखें, आप आए हैं ठीक है, हाँ। आपको लाया नहीं गया, आप खुद ही आए ना, खुद आकर तो आपने सवाल किया। वो जो अभी सिस्टर हमसे हम बात कर रहे थे, वो सिस्टर खुद आई थी, उन्होंने आकर मूर्ति पूजा के ताल्लुक से सवाल किया, तो मूर्ति पूजा पर हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि क्या, मुझे बताएं कि क्या इस तरह का जो गुफ्तगू, इस तरह की जो डायलॉग्स हैं वो गलत है? नहीं सही है, इससे बहुत ही आसानी होती है। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताएं, सनातन में जो छह फिलोसफी दिए गए हैं वो कौन से हैं? नहीं वो आप बताइए, मैं कोई सनातन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, सनातन का एक्सपर्ट मैंने, और ना मैं दावा करता हूँ कि मैं सनातन का एक्सपर्ट हूँ। मैं आप इस्लाम के ताल्लुक से सवाल करेंगे मुझसे, जब हम जवाब देंगे, अब आप ये कहेंगे जी सनातन में वो जो फला चीज है वो बताएं क्या है,
मैं यहाँ दावा ही नहीं कर रहा हूँ, हमें से कोई दावा नहीं कर रहा है। मोटी मोटी चीज है वो जानते हैं जी। अगर कोई फिजिक्स का बेसिक नहीं जानता, मास और वेट में अंतर नहीं जानता, वो कहे कि मुझे फिजिक्स में डिबेट करना है, तो ये सही है या गलत? मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना मेरे भाई, हम सनातन के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, गॉड की मूर्ति है या नहीं इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। हम सनातन के अंदर मोरालिटी के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उसके लिए आपको सनातन में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप इस्लाम में एक्सपर्ट हो, क्रिश्चियनिटी में एक्सपर्ट हो, सनातन में एक्सपर्ट हो, जैनिज्म में एक्सपर्ट हो, किसी में भी एक्सपर्ट हो, आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको सनातन की जीरो नॉलेज है? मोटी मोटी चीजें हम जानते हैं जो हम देखते हैं, बिल्कुल मुझे कोई नॉलेज का, सनातन के ताल्लुक से नॉलेज का कोई दावा नहीं है, मैंने कभी दावा नहीं किया। मोटी मोटी चीजें क्या जानते हैं, क्या आपने किसी सनातन की अब यहां तक तो हो गई बात मेरी, अब करेंगे हम आपकी बात। ये बताइए कि ओशो की जो फिलॉसफी है, आप कह रहे हैं आप बहुत बड़े भक्त हैं उसके, वो क्या है? आप बात को क्यों पलट रहे हैं मुफ्ती साहब? नहीं, बात मैंने अपनी अपने डिफेंस में जो मुझे कहना था ना वो मैंने कह दिया, क्योंकि बात मैं मौजू बहस नहीं हूं, जो फिलॉसफीज हैं वो मौजू बहस है। तो मुझे जो कहना था मैंने खुद ही बता दिया कि भाई सनातन का की एक्सपर्टीज का मुझे कोई दावा नहीं है, ठीक है। अब आप आगे बढ़े, अब मुझे बताएं, आपने कहा कि ओशो के आप बहुत बड़े फैन हैं, ओशो की फिलॉसफी बताइए क्या है? ओशो जो है वो संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं। संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं, कहीं लोग संभोग में अटक तो नहीं जाते? देखिए मुफ्ती साहब, ये बहुत ही गहरी फिलॉसफी है, इसे समझने के लिए आपको कई घंटों की जरूरत है, ये ऐसे ही समझ में नहीं है। मुझे समझाइए भाई, मैंने सबको भाई, सब लोग जो है, अब हम आपको नहीं ले रहे हैं, हमारे साथ ओशो फैन हैं जो संभोग के जरिए हमें सन्यास की तरफ लेके जाएंगे। भाई बताइए क्या है जी? जी पहले आपको कुछ बहुत टाइम है, पहले आप हमें मालूम, मैं मालूम तो करूं कि आपको बेसिक टर्म का नॉलेज है या नहीं, 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 आपको नहीं, नहीं, नहीं है। बहुत ज्ञानी है ये भाई, शुभम। ब्रह्म का नॉलेज है आपको? कुछ नहीं पता, आगे चलें, हमें बताएं कि संभोग से संन्यास पे कैसे जाते हैं, अब आगे चलें। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं जो सवाल पूछने वाला था वो तो नहीं पूछ पाया, हमें तो संभोग पे बात करनी है जी। आपको जिस पे बात करनी है मैं आपको उसी पे ले जाता हूँ, ठीक है? जी 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 जी, संभोग से संन्यास की तरफ जी। देखिए मुफ्ती साहब, संभोग से संन्यास की ओर ले जाने का मतलब ये, पहले आपको समझना पड़ेगा संन्यास मतलब क्या है। जी समझ, तो समझाइए। हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष मीन्स, जैसे आप में भी होता होगा स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट, आप में भी होगा शायद, जहन्नुम और शायद कुछ। हाँ, तो इसमें है क्या, अगर कोई अच्छे कर्म करेगा, मतलब अच्छे काम करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और गलत काम करेगा तो नर्क में जाएगा, ये तो आप में भी होगा। लेकिन सनातन और बाकी धर्म में यह अंतर है कि स्वर्ग नर्क के अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष मीन्स, सनातन स्वर्ग और नर्क को एक ही पैमाने पर रखता है, मतलब स्वर्ग जो है वह भी पिंजरा है, नर्क भी पिंजरा है, बस अंतर यह है कि स्वर्ग सोने का पिंजरा है और नर्क आग का पिंजरा है। हाँ, लोहे का पिंजरा है। चलो, तो मतलब अगर कोई कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसका नाम श्याम है, वो अगर अच्छे कर्म करता है तो वो उसका टाइम रहेगा उतना टाइम तक वो स्वर्ग में स्पेंड करेगा, ओके। उसके बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो कर्म करेगा उस मुताबिक जन्म मरण पता है। हालांकि अभी मैं इस पे आपको रोकना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे तो संभोग के बारे में पता लगाना है, वो बताइए क्या है? हाँ, तो बेसिक से चल रहा हूँ, बोला ना देरी लगेगा ना, थोड़ा समझना चाहिए। हाँ नहीं, यानी तो हमें पता है ना कि वो अच्छे कर्म करेगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर आगे मोक्ष मिल जाएगा, उसको दोबारा जन्म होगा, ठीक है, वी नो दैट। अभी इस पर आएंगे, चलो दोबारा जन्म हो गया उसका, उसने अच्छा कर्म किया, स्वर्ग में गया, दोबारा जन्म हो गया। अब ठीक है, मैं शॉर्ट में बताने का कोशिश करता हूँ। हाँ, तो जो ये जो स्वर्ग नर्क का जो मतलब है सर्कल है, इससे जब निकल मनुष्य मिल जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, इससे जब निकल जाता है, जो मुक्ति मिलती वही मोक्ष है, ठीक है। फिर तो ओशो, जब ओशो ने बताया कि मोक्ष जो है, इसको संन्यास भी बोलते हैं, उससे हम संभोग से पहुंचा जा सकता है, कैसे? तो जब ओशो ने यह बात बताई तो बहुत सारे फिलोसोफर ने कहा कि ये गलत बात है, ओशो भ्रमित कर रहे हैं ये युवाओं को।
लेकिन जब गहनता से हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है ओशो ने कोई नई पथ नहीं की। ओशो ने तथ्यों को जोड़ के, गीता के तथ्यों को जोड़ के, वेदों के तथ्यों को जोड़ के नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश की कि संभोग से संन्यास की ओर हम लोग कैसे जा सकते। तो कैसे जा, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहाँ से लेकर आए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि संभोग से संन्यास की तरफ कैसे जा सकते हैं, मुझे ये समझाइए। ये लिंक है ना, ये बता दे मुझे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संभोग मतलब क्या। हाँ ठीक है, चले। अब संन्यास का मतलब आपने हमें समझा दिया, मोक्ष। ठीक है, हाँ, संन्यास का मतलब मैंने अभी नहीं समझाया, ठीक है, पहले नहीं वही समझाया। समझा देता हूँ। अच्छा नहीं, चले, संभोग का हाँ, मतलब समझाइए, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। हाँ आपको मोक्ष का मतलब आपको समझ में आया या नहीं, ये मैं हाँ जानना हाँ आ चाहता गया आ गया आ गया आ गया जी हूँ। क्या समझ में आया? भाई, मोक्ष का मतलब एग्जाम ये भी हो है रहा कि है वो क्या? इस साइकिल से, पिंजरों के साइकिल से निकलकर वो बिल्कुल उसको नजात मिल गई, साल्वेशन उसको मिल गया, ये मोक्ष है ना। हाँ, ठीक, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे क्वेश्चन कि ना पूछा, अभी आपका। क्विज हम एग्जाम बाद में देंगे, पहले पूरा पूरा कोर्स पढ़ा दें। ओके ठीक है मुफ्ती साहब, हाँ थैंक यू जी मुफ्ती साहब। जी तो अब आप आए संभोग पे। जी हाँ, तो मैं यह कह रहा था, तो मोक्ष ये जो साइकिल है उससे जब हम लोग निकल जाते हैं तो उसे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ओशो का यह कहना है कि हम लोग संभोग से मोक्ष की ओर जाते हैं, तो संभोग से कैसे मोक्ष की ओर, भाई? सॉरी, संन्यास की ओर जाते हैं। संभोग से संन्यास की ओर कैसे जाया जा सकता है, इसके लिए पहले आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा। किसी भी मानव में चार गुण बताए गए हैं कि किसी को भी चार टाइम स्पेंड करने पड़ते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स बचपन से 20 साल को उम्र बोल सकते हैं या 25 साल का उम्र, जी जी जिसमें आप सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक ठीक माया मोह बंधनों से दूर रखना है, सिर्फ आपको विद्या अर्जित करना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य के आपको बाद। आपको इल्म हासिल करना है, ठीक है। हाँ, इल्म हासिल करना, उसके बाद धर्म धर्म की पढ़ाई करनी, फिर धर्म के बाद आता है अर्थ, अर्थ ठीक है मीन्स हुआ इनकम मनी, जिसे हम ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था जॉब बोलते करनी हैं। है, जॉब करनी है। हाँ, मतलब आपको इनकम, जो आप 20 साल तक जितना आपने विद्या अर्जित किया उससे, उसके बाद आपको इनकम कमाना है, अर्थ, धर्म अर्थ। फिर आता है काम, काम मीन्स संभोग, काम संभोग एक ही शब्द है, समझ रहे होगे। जी तो जी जी काम के बाद आता है मोक्ष, तो चार पहलू में फिर से बता देता हूँ, नहीं, मैं धर्म, समझ गया। अर्थ, काम, तो ओशो मोक्ष। जी ये कह रहे हैं कि सीधे काम पे पहुंचो, हाँ, नहीं, मतलब। वो ये नहीं कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं कि मोक्ष का जो सीढ़ी है उसके पहले काम का आता है, समझ रहे हैं, ठीक, काम से मोक्ष किया जा वो जाया जा सकता है, धर्म से डायरेक्ट मोक्ष की ओर नहीं जा सकता, पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा ओशो के नजदीक इल्म हासिल करने की जरूरत, ब्रह्मचारी बनने की जरूरत है। हाँ है, अच्छा, उसके बाद अगला जो है यानी इनकम, अर्थ, या उसकी जरूरत है, ठीक हाँ, ओशो ने है। बहुत ही अच्छे उसके बाद से काम आता है, काम दृष्टि। की जरूरत है। तो अब आप मुझे बताओ कि ओशो ने फिर नई बात क्या कही, कि बस वो संभोग से क्या बोला था आपने, संन्यास, संन्यास की तरफ हाँ, जाते हैं, मतलब संभोग। अच्छा, दूसरी बात ये कि संभोग किसके साथ, किसके साथ? तो उसके लिए क्या आप सांख्य दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं, सांख्य मैंने आपसे एक फिलोसफी? सवाल पूछा, संभोग किसके साथ, ओशो के नजदीक संभोग किसके साथ होना चाहिए? वही तो पूछ रहा हूं, आप सांख्य फिलोसफी के बारे में कुछ जानते हैं, ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ अर्थ? ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ अर्थ, नहीं, हम इतने ओल्ड नहीं है, तो थोड़ा सा बताएं आप। तो आपको तो किसी भी चीज की बेसिक हाँ, नॉलेज हमें तो कुछ नहीं नहीं है। पता, हम भाई तो जीरो, हम तो फर्स्ट पहली क्लास में। भाई ये कौन है? आप ही बताएंगे, आप अरे टीचर हैं आज। ज्ञानी हाँ, बाबा है बहुत। सांख्य फिलोसफी, हिंदुइज्म में 6 फिलोसफी हैं, उसमें सबसे पहला फिलोसफी आता है सांख्य फिलोसफी, जिसमें बताया जाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, मीन्स मतलब सबसे पहले क्या हुआ, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। तो उसमें यह बताया जाता है कि जो मनुष्य है वह पुरुष और प्रकृति के संभोग से बना। यहाँ संभोग का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे, संभोग मतलब मिलन, मिलन, हाँ ठीक है ठीक है। जो हाँ, पुरुष जो है वो किसके मिलन से बना, प्रकृति और, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व जब मिलते हैं तो मनुष्य बनता है। ठीक है, उससे तो उससे आपका, इससे संभोग से मुराद सेक्स नहीं है, ठीक है। हाँ यार,
तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये पुरुष तत्व और ये प्रकृति तत्व क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ, समझाइए। जैसे मैं कोई एक इंसान ले लेता हूँ जिसका नाम है श्यामू, ठीक है, तो वो जो इंसान है वह पुरुष और प्रकृति के तत्व से बना है। अब इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पुरुष बताया जा रहा है हिंदुइज्म के मुताबिक, इंसान हर मनुष्य में आत्मा होती है, तो वो जो आत्मा है वह पुरुष पुरुष तत्व है, पुरुष का तत्व है, मतलब पुरुष का एलिमेंट। और प्रकृति जो है वह सनातन का माना जाता है कि पंच तत्व, प्रकृति के पंच तंत्र तत्व होते हैं, उसी से मनुष्य बनते हैं। फाइव एलिमेंट ऑफ प्रकृति जिसमें वायु जल आकाश, ठीक है, सही है, समझ गए। ये जो तत्व और पुरुष और प्रकृति का जब मेल होता है तब मनुष्य का जन्म होता है। तो ये जो पुरुष है वो मैंने बताया आत्मा है, और परमात्मा कौन है, परमात्मा है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब तो जानते हैं ना भाई, संभोग का इस समय क्या किरदार है मुझे वो बताओ। देखिए मैंने कहा था अभी इसका संभोग का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है वो। पहला तो ये कि आप ब्रह्म का मतलब भी नहीं जानते, बेसिक मतलब। बेसिक जब मैं बताना स्टार्ट किया तो 5 मिनट तो देरी लगेगा ही। हाँ चलो ठीक है, ब्रह्म बताओ। हाँ तो अच्छा, ब्रह्म का मतलब तो नहीं जानते, मैं बताता हूँ। जैसे आप अल्लाह को सुप्रीम गॉड मानते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो सनातन में जो सुप्रीम गॉड क्या, सुप्रीम गॉड मतलब अल्लाह जो है वो फॉर्मलेस है। उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो फॉर्मलेस है, लाइक आप अल्लाह जिसे आप बोलते हैं, सनातन में यह कॉन्सेप्ट माना जाता है। एक निर्गुण, तो सनातन में दो प्रश्न, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म मीन्स फॉर्मलेस ब्रह्म जिसका कोई फॉर्म नहीं है वो मतलब है, और एक सगुण ब्रह्म जिसका फॉर्म है, जैसे विष्णु ब्रह्मा, मतलब वो जो ब्रह्म है फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है जिसका फॉर्म नहीं है, तो सांख्य फिलोसफी इसी से चलती है कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को हम परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा मीन्स परमात्मा, सबसे बड़ा आत्मा, महान आत्मा, ठीक है। तो वो जो परमात्मा है उसी का अंश है आत्मा, ओके। तो वो आत्मा और प्रकृति का जब मेल होता है तो मनुष्य बनता है, ठीक है। तो जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, ठीक है, तो सिर्फ पहले आपको समझना पड़ेगा प्रकृति का इस शब्द का मतलब क्या है। कृति का मतलब होता है क्रिएशन, ओके। तो प्रकृति मीन्स हो गया बिफोर क्रिएशन, क्रिएशन के पहले जो था वो है प्रकृति। तो प्रकृति में क्रिएशन के पहले प्रकृति थी। मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ समझने के लिए। आप मैं अगर कहूँ अभी आपको इतना टाइम हमने आज तक अपनी हिस्ट्री में किसी को नहीं दिया, महज इसलिए कि संभोग से हमें संन्यास तक जाना है, ये आप बता नहीं रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो। संभोग से संन्यास तक इतना टाइम किसी को नहीं मिला, हम सब लोग बोर होने शुरू हो गए यार, ये कैसी क्लास है। आप लोग कहते हैं कि सनातन में बहुत, देखिए भाई आमिर भाई अभी आप शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ। आमिर भाई आप एक मिनट बात तो करने दे मुझे भाई, क्या हो गया आप इतनी देर से बोल रहे हैं। मैं तो एक मुझे 5 सेकंड ओ भाई 5 सेकंड दस मिनट से आप ही बोल रहे हो। आपका 1 2 3 4 5 हो गए। आपका सर प्रवचन जो है वो महाभारत के एपिसोड की तरह खत्म नहीं हो रहा, मुझे एक मिनट दीजिए मैं बस बात कर रहा हूँ। यही तो दिक्कत है आप लोगों की यार। दाश भाई एक मिनट रुक जाएं भाई, क्या हो गया हजरत, इन्होंने मुझे लग रहा है हमारे साथ वो डॉज किया है, संभोग वर्ड बोलकर इन्होंने हमें कुछ और पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ वही ना, तो गलत हो गया भाई। यानी ये ऐसे ही है कि मैं स्कूल में बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी के चक्कर में पढ़ने जाता था, उन्होंने मुझे कुछ और पढ़ाने शुरू कर दिया। तो ये मेरे साथ बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही है हजरत, इस चीज का जिक्र आपकी स्ट्रीम में नहीं था कि ये भी होगा जी। जी हाँ, तो भाई क्या नाम है आपका यार, ये शुभम, शुभम। आप लोगों की ये, आप लोगों की यही दिक्कत है, फिलोसफी आप लोगों को समझ नहीं यार। इतना टाइम आपको दिया, हम आपको टाइम दे रहे हैं अभी भी, आप कह रहे हैं उससे पहले उसको समझना पड़ेगा, प्रकृति से पहले कृति को समझना। भाई जो आप मुझे सिंपली मोटी मोटी बातें, यही तो है ना, ये सारी बातें जिनको मैं मोटी मोटी कह रहा था ये आमतौर से लोगों को पता होती है, मोक्ष है वगैरह वगैरह। इनकी दिक्कत, सॉरी हजरत मैं टोक रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जी यही दिक्कत है आप लोगों की। कौन सी फिलोसफी आपने बताई है भाई अभी, सांख्य फिलोसफी का आपको बेसिक भी नहीं पता है। जी जी हाँ, अभी आपसे सीखने लगा हूँ। सांख्य फिलोसफी जो है ये दुनिया की ओल्डेस्ट फिलोसफी है, इसका प्रूफ है।
इकट्ठा किया था प्रूफ, क्योंकि मैं खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि हजरत जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमें सीखने को मिले कि संभोग से सन्यास की तरफ कब जाएंगे। हाँ। अभी आपका क्लेम था कि ये सांग की फिलॉसफी है, ये ओल्डेस्ट। नहीं 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 आमिर भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, आमिर भाई संभोग से सन्यास की अपने बात, आमिर भाई आपने रह गया संख्या, आमिर भाई वैसे अब ये मुद्दे पर आ रहे हैं संभोग, अब ये बताएंगे संभोग क्या है। संभोग से सन्यास की आपने बात की, तो मैंने तो पहले ही बता दिया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम के बाद भी मोक्ष मिलेगा। मेरी बात तो इसी को तो मैं डिटेल से समझा रहा हूं। काम और संभोग एक शब्द है, ये कहां से क्लेम है आपका, साबित करें। इतना भी आप नहीं जानते, आप मुझसे नहीं पूछना, बाप ने आप हमें नहीं ना पता, आप सुन रहे थे खामोशी से, मेरी बात सुने, आपको सुन रहे थे खामोशी से, आपको सुन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे थे वो सब ठीक है। प्रूव करें, काम और संभोग एक है, प्रूव करें इसे। कामना का अर्थ हुआ, कामना नहीं कह रहा, कामना नहीं कह रहा, काम और संभोग, इतना फर्क तो होना चाहिए कि कामना किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। आपको तो वाह भाई वाह, आपको तो पढ़ते और उपसर्ग का भी मतलब नहीं पता। काम और संभोग एक हैं, इसको साबित करें भाई। आपको तो उपसर्ग और पढ़ते का भी मतलब नहीं पता, नाल पढ़ते हो। काम और संभोग एक है, इसको साबित करें मेरा भाई। परफिक्स भी आप नहीं जानते, काम और संभोग एक है, इसको साबित करें, प्रमाण दें, प्रमाण दें। क्या प्रमाण दूं इसमें मैं, प्रमाण देना पड़ेगा ना जी, दो प्रमाण आप देने हैं, दो प्रमाण देने हैं। दोबारा सुन लें, सुन लें, अभी तो आप बोल रहे थे कि बड़ी दिक्कत पड़ेगी समझाने में, अभी आपको ये सारे सवाल बच्चों वाले लगना शुरू हो गए हैं। ओके, एक मिनट रुकिए, आप प्रमाण देने हैं, दो चीजों के प्रमाण देने मेरा भाई, भारत और इंडिया दो चीजों के, भारत और इंडिया को छोड़ दें, काम और संभोग, और इंडिया एक है, संभोग शब्द का, मैंने मैंने बोला है, मेरा क्लेम है ये, भारत और इंडिया एक है या नहीं है, मैं ये क्लेम और इंडिया सब एक है। होल्ड ऑन, लेट मी इंटरफेयर हियर। देखो भाई, क्या नाम है आपका? शुभम। देखो, तुम्हें जितना मौका यहाँ मिला है ना, शायद ही कहीं मिले, इतनी देर तक हम सुनते रहे सुनते रहे, अच्छा 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 अच्छा, स्टूडेंट बनके, ठीक है। अब जब हमने बोलना शुरू किया तो आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। बोले बोले जी, अब खामोशी से सुना जी, अब सुने, ये है आपकी सर फिलॉसफी कि जब मैं बोलने लगता हूं आप बीच में टोकते हैं। दो चीजें सिद्ध करनी है आपने, दोबारा आपको चांस मिल रहा है, और आए बाएं शाई नहीं करना, मुझे प्रमाण चाहिए। और ये वो चीजें आपने कही हैं जिनका ताल्लुक भाषा से भी है, शब्द का प्रयोग किया है ना, शब्द का, काम भी एक शब्द है, संभोग भी एक शब्द है, और वो जुबान, वो भाषा मौजूद है, इसको करना है सिद्ध कि काम और संभोग का अर्थ एक ही होता है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। दूसरी चीज जिसका प्रमाण आपने देना है कि जो संख्या फिलॉसफी आपने दर्शन पेश किए हैं सर्वदर्शन में से, वो दुनिया में ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, इसका प्रूफ पेश करना है जी। तीसरा सवाल मेरे से ले लीजिए, और वो ये है कि आपने ये कहा कि इस दुनिया में अगर कोई आदमी अच्छे काम करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग ऐसा है जैसे कि सोने का पिंजरा, ठीक है, उसका फिर दोबारा जन्म होगा, फिर कहीं जाकर उसको मोक्ष मिल सकता है। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर अच्छे काम करने के बाद भी उसको पिंजरे में ही जाना है तो अच्छे काम करेगा क्यों? देखिए मुफ्ती साहब, जो ये चीज है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी समझिए, और हजरत एक चौथा सवाल लेते हैं मुफ्ती साहब भाई, सुने एक चौथा सवाल ऐड कर ले, फिर एक दोहरे से नंबर दे देने का। वो जो सांख्य दर्शन में लिखा है कि प्रकृति नहीं, वो जो पुरुष रूपी अजा, मतलब जो बकरा है, वो प्रकृति रूपी बकरी के साथ संभोग करता है, थोड़ा उसको भी डिफाइन कर दीजिएगा जी। ठीक है? तो अभी ये क्रोनोलॉजी समझे, जो आमिर भाई ने दो सवाल किए, पहले उसका, फिर मेरा, फिर आतिफ भाई का जी, यू हैव 2 मिनट्स। देखिए, मुझे बहुत एक क्यूरियोसिटी है कि पहले मैं मुफ्ती साहब के सवाल का जवाब दे देता हूँ, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आमिर भाई का राइट है, अगर वो चाहे तो आप दे सकते हैं, बाकी उनका पहला सवाल। बिल्कुल दिक्कत है, मुझे दिक्कत, अगर कोई अच्छे काम करेगा नहीं नहीं, इधर 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 भाई, भाई मुफ्ती साहब ने मेरी तरफ कहा है, दिक्कत है मुझे, आपने पहले उन्हीं सवालों का जवाब देना है, क्योंकि आपकी सारी बुनियाद ही उस चीज के ऊपर है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना जी। तो मेरा राइट है, आप मेरे सवालों का जवाब दें जी। अच्छा ठीक है, क्या था आपका सवाल, कामना और ये क्या संभोग में क्या अंतर? नहीं, ये नहीं पूछा मैंने, दोबारा सुन लें, दोनों सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। हाँ, हाँ,
गौर से सुने, काम और संभोग ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसका प्रमाण देना है, ये शब्द है तो शाब्दिक बेस पर इसका प्रमाण देना है। दूसरा, जो दर्शनों से आपने संख्या फिलोसफी की बेस रखी कि वो ओल्डेस्ट फिलोसफी है, उस ओल्डेस्ट फिलोसफी का प्रमाण देना है कि वो ओल्डेस्ट है। देखिए आमिर भाई, आपका जो प्रश्न है उसको मैं समझाने लगूं तो एक घंटा ही लग जाएगा, आपको बेसिक टर्म भी नहीं पता, गूगल कर सकते हैं काम और वासना के बारे में। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं तो बता देता हूं, कामना का अर्थ होता है एक ऐसी प्रबल इच्छा जब मनुष्य काम और संभोग, दोबारा गौर से सुन लें, काम और संभोग का प्रमाण चीज है, कामना अलग घंटा घुंटा नहीं लगता, दो शब्द हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने क्लेम किया था घंटा लगा था मेरा भाई, प्रमाण दे मेरा भाई, ये मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, लेक्चर तो आपने थोड़ी देर पहले दे दिया हमें, मुझे प्रमाण चाहिए। देखिए मुफ्ती साहब, सॉरी आमिर भाई, आपको काम का मतलब ही नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं किसे काम, ये रेफरेंस दे दें, रेफरेंस शेयर करके मुझे बताएं कि भाई ये डिक्शनरी है, ठीक है, इस डिक्शनरी से ये देखें काम शब्द का अर्थ निकल रहा है संभोग, मुझे पेश कर दें। अब मैं डिक्शनरी का बताऊं कि इस डिक्शनरी में काम नहीं बताना, क्यों नहीं बताना, क्यों नहीं बताना, प्रवचन नहीं है ना भाई, बताना पड़ेगा ना भाई, क्या हो गया? देखिए मैं अभी डिक्शनरी खोज के बता दूंगा लेकिन खोजने में टाइम लगेगा ना, अब मैं टाइम में जाऊंगा भाई, टाइम ले ना भाई, मेरा राइट है, टाइम ले लें, अगली बार आ जाएं या बैक स्टेज कर दें आपको, इतने ढूंढ लें, हां मेरा राइट है भाई, ठीक है। काम वासना की जब प्रबल इच्छा होती है तो संभोग करते हैं, दोनों लिंक है, जिसे मैं कैसे समझाऊं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे नहीं, मुझे समझाना नहीं है, फिर वही चीज आप कर रहे हैं, मुझे प्रवचन नहीं चाहिए, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं चीज चल रही, लाइव चल रही है, मुझे रेफरेंस चाहिए। तो भारत ही इंडिया है, इसका रेफरेंस दीजिए मुझे, एक डिक्शनरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, रेफरेंस है, डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी बोला, ओ भैया ये भारत ही इंडिया, ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भारत दैट इज इंडिया, ये इंडिया दैट इज भारत, इस तरह लिखा है। हाँ, जी। काम और वासना जो है वो भगवत गीता में है, काम और वासना नहीं, दोबारा सुने भाई, काम और वासना की बात नहीं हो रही, दोबारा वर्ड गौर से सुने मेरा भाई, डॉज नहीं करें, काम और संभोग ये दोनों वर्ड एक है, इसको सिद्ध करें, आपने ये क्लेम किया है आपने भाषण के अंदर। अरे भाई इसको थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं, जो बहुत देर हो गई ना आमिर भाई से बात करते हुए, आप एतराफ कर लो कि ये तो इस वक्त आपके पास नहीं है, आप बाद में आएंगे, आपको बैक आपके पास तीन ऑप्शन है, नंबर वन आप सिंपली एतराफ कर लें कि आपके पास नहीं है, एंड देन वी मूव ऑन, दूसरा ऑप्शन आप बैक स्टेज रहे, आप ढूंढ ले आए, तीसरा ऑप्शन आप नेक्स्ट टीम में आ जाए, कौन से ऑप्शन को आप लेना चाहेंगे? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप मेरे सवालों के लेना चाहेंगे, यार सीधे सीधे बात करो, या तो अभी मान लो कि नहीं है, या कह दो कि बैक स्टेज पर हूं मैं लेकर आ रहा हूं, या अगली स्ट्रीम में, तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन? मैं बोल रहा हूं सर, अष्टावक्र गीता का मैंने रेफरेंस दिया, आप जाके देख लीजिए भाई, इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ले रहे हो, फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप कहोगे यही दिक्कत है, सीधे सीधे बात करो ना। अरे अष्टावक्र गीता में आप देख लीजिए, काम वासना दोनों एक साथ प्रयोग हुए, ओ भाई काम वासना की बात में वो बार बार कह रहे हैं, काम और संभोग की बात हो रही है। अरे आपको बेसिक डिफरेंस नहीं पता तो मैं नहीं पता ना, ठीक है आप हमें वो डिफरेंस समझाओ रेफरेंस के साथ, तो आप मुझे बताओ कि बैक स्टेज करूं या अगली स्ट्रीम में रेफरेंसेस लेकर आओगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे बैक स्टेज कर दीजिए, बैक स्टेज, ठीक है सही है। दोस्तों इस पूरे कन्वर्सेशन में मेरे को बार बार लग रहा था कि अब कोई नई जानकारी आने वाली है, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शुभम भाई ने कोई भी इजाफा नहीं किया मेरे इल्म में, ये मोटी मोटी बातें हैं हिंदुइज्म के मुतालिक जो मेरे को भी पता है और बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी जानते हैं, तो इन भाई का ये दावा करना कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, जानकारी तो सिर्फ मेरे को है, इल्म या फिर कह लीजिए कि ज्ञान आपको नहीं है, फिलोसॉफी का बेसिक भी आपको नहीं पता, आपको शून्य जानकारी है, ये बिल्कुल ही गलत है और बेबुनियाद है। यहाँ पर शुभम भाई बिल्कुल ही असफल रहे ये साबित करने में कि संभोग के ज़रिए से हम संन्यास को या फिर कह लीजिए कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ही असफल रहे, फेल रहे, नाकाम रहे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरटेनिंग लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।